चीज तो नॉर्मल लॉग हुआ कोई ऐसा कोई खास उस चीज पे लेके नहीं है, बस मेरे को व्यूज खींचने हैं मोनेटाइज करवाने चैनल दोस्त के लिए, तो कॉल से ले जा रहे हैं। वैसे तैयार हो गए हैं बड़े भाई लोग, तैयार हो रहे हैं। एक्चुअली थोड़ा लेट उठे थे आज क्योंकि हम थोड़ी लगाई हो गई है, हो जाता है क्योंकि कल इस पेपर खत्म हुए थे सब रिलैक्स है, मैं तो मसूर गया था तो लेट पहुँचा हुआ, ठंडा हो रहा था, देख लिया था हमने, तो बस तैयार हुए हैं सफल देख लिया। तो मैं कॉलेज दिखाता हूँ आज, अगर वो तो फ़ोन चलाना क्योंकि टीचर बहुत स्ट्रिक्ट, अब तो क्या है देख रहे हो पूरी यूनिफॉर्म में जाना पड़ता है, इससे ज़्यादा क्या दिखाता हूँ आज तो। बाय बाय। सो अभी छत पे आ गए हैं क्योंकि ठंडा हो रहा था बहुत, और मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड आता है वैसे, तो छत में आ गए थे। और क्या है दादा के लोगों के लिए रुके हैं, वैसे दादा लोग जब तैयार होते हैं हमारा एल्फा एल्फा छोटा सा है, पता नहीं इसकी ब्रीड पता नहीं चलती है, ची हुआ हुआ और पोमेरियन का मिक्स लगता है मुझे तो कभी कभी, बट प्यारा है बहुत, उछलते रहता है बस, इसको कोई नीचे है पत्थर पकड़ता और इधर 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 इधर। ये अभी मैं जिनके छत में हूँ ये हमारे लैंडलॉर्ड हैं, और जस्ट हमारे बगल में रूम है 3BHK है प्रेम नगर में हमारा, और नंदा की चौकी संदर जो UPS वाली रोड नहीं है। सीन बढ़िया है यहाँ भी, और मतलब ठंडे में बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और गर्मियों में ठीक है अभी तो फिर भी मॉडरेट है क्योंकि मैंने गर्मी झेली नहीं है यहाँ की उतनी, बट अभी के हिसाब से गर्म में ही ज़्यादा मज़ा आता है मुझे, और ठंडे में तो भाई बहुत फट के जा रहा है, इतने कपड़ों में मुझे ठंडा ही लग रहा था कल मसूर से आते टाइम, वहाँ पर हालत देख ही सकते थे आप लोग। बस एक बार दादा लोग तैयार हो जाए, बस चलते हैं कॉलेज, पहली क्लास तो छूट चुकी मेरी तो मिलते हैं आगे। और मैंने एक दादा को लेने भी जाना है बाइक क्योंकि कल मैं ही लेके आ गया था, दिखाता हूँ कॉलेज या सिनेमेटिक्स बनेगा कोई बना दूंगा। चलो ठीक है ब्रो, मेन एंट्रेंस पर आ गए हैं, गाड़ी हमने सामने लगाई थी एक्चुअली, हम थोड़ा बैठने के लिए गए थे कहीं ऐसे ही, तो बस अब जाने कॉलेज को। ये हमारा मेन कॉलेज का ये जो यहाँ पे हमारी गाड़ी लगी है मेन डोर यहाँ पर गेट जो है यही है, तो आगे जाके दिखा। भयंकर कॉलेज पहुँचा ही था तो मेरा कुछ एग्जामिनेशन फॉर्म का था तो इसमें कुछ रोल नंबर वाला झोल हो गया, तो उसके लिए अब मेन वाली बिल्डिंग में जाना पड़ता है, वहीं से होता है सब काम। तो ये जो सामने दिख रही है मेन रोड है, ये जो फ्रंट जो मतलब UIT का बाहर से लुक दिखता है वो यही वाली बिल्डिंग का दिखता है, इसके बगल में सेंट्रल लाइब्रेरी है, सही है कैंपस, मतलब कुल मिला के मजा आते हैं घूमने में भी। ये गार्डन टाइप बना रखा है बढ़िया, वेल ग्रूम्ड मेंटेन्ड नहीं बोलते हैं एकदम वैसे बना के रखते हैं, देख रहे हो कर्मचारी लगाई है सारा अभी भी। ये है मेन वाली बिल्डिंग एडमिशन फॉर्म की, अब लेता हूँ अपना जो भी है रोल नंबर वगैरह अंदर से मिलता है, उसके बाद फिर क्लास जाता हूँ अगर हो पाया तो, थर्ड क्लास दो एब्सेंट चल गई। ये है कैंपस, ये मेन बिल्डिंग, ये किसी और चीज़ की बिल्डिंग है, होटल है जस्ट जैसे नदी पार करके, ये मेन रोड जो सामने बस ये शॉर्ट घुसते हैं अंदर, दिखाते हैं आगे आपको अगर अंदर फोन चला दिया तो। भाई भाई गाइस स्टिल यहाँ पर मेरा ये हाल है, मेरा फोन देख रही है फोटो, क्वालिटी बढ़ा लूँ नहीं तो काम चल रहा है एडमिशन सेल में मैनेजमेंट के। भाई भाई तो हो गया है, मतलब ये जो भी था एनरोलमेंट नंबर मिल गया, खास साल में खाली एक नंबर के लिए कितना नंबर है UU21080032 42 इतने के लिए मेरे को इतनी दूर भेज रखा है, एक कॉल कर लेते साले अंदर से, बड़े कंजूस होते हैं यार ये साले। यही थी मेन बिल्डिंग, तो अभी निकल रहे हैं आगे को, पीछे मेन रोड है जो गार्डन वाला मैं दिखा रहा था, एक बढ़िया गार्डन है, और जो कोई फोटो शूट वगैरह होता है ना जो पोस्टरों में लगती है फोटो UIT वही वाली फील्ड की लगती है, जो यहाँ पे गार्डन टाइप का है, मतलब खाली बैठने बैठने बढ़िया है, दिन में धूप में नींद इतनी खतरनाक आएगी ना इस फील्ड में। और आगे अभी कैंटीन है कैफे वाला जो है, फिर उसके पीछे कैफेटेरिया पूरा
लंच वंच सब चीज़ मिल जाता है। और फिर यहाँ से अभी कित कई दूर जाना है, 1-2-3 मतलब 3 या 4 ब्लॉक क्रॉस करने हैं, उसके बाद मैनेजमेंट का था, उसके बाद लॉ का। तो मेरा तो मैनेजमेंट वाला है, अदर वालों का लॉ वाला है। इसके आगे फुटबॉल ग्राउंड या क्रिकेट ग्राउंड ही है, वो मिलते हैं डायरेक्ट आगे। सीनियर लोग हैं ना, क्या कर रहे हैं तो भाई। ओके बाय। तो मिलते हैं हम डायरेक्ट कमरे में, अगर डायरेक्ट कमरे में जाते हैं तो हमारा आगरा का प्लान भी है, बट देखते हैं। एक फ्रेंड को बताने के लिए जाना है, बट अभी कुछ फिक्स नहीं है, देखते हैं। तो मिलते हैं, चलो ठीक है, बाय। सो अब गाइस, अभी हमारा सडन प्लान बना है, ये भी एकदम ही सडन है तो सच में, कि हमारा अभी आगरा जाने का प्लान है, क्योंकि हमारी एक फ्रेंड है तो उसका घर है वहाँ, उसके फादर का बर्थडे है, तो शायद सरप्राइज़ देना चाह रहे हो, तो उस वजह से जा रहे हैं। बस निकल रहे हैं थोड़ी देर में, एक किम भाई आने वाले हैं हमारे जो मिज़ोरम के हैं, बस उनके लिए वेट कर रहे हैं, जैसे वो आते हैं फिर चल रहे हैं डायरेक्ट। और सीन तो सही है, आगरा ताजमहल तो देख के आना, और बढ़िया रहेगी ट्रिप, मे भी कोई दिक्कत ना ही हो, क्योंकि बहुत सडन प्लान बना है, कुछ भी प्लान नहीं है किधर जाना है, मुजफ्फरनगर भी जाना है एक भाई के घर हमारे। तो बस निकलते हैं थोड़ी देर में, कि भाई का इंतजार हो रहा है, और टाइम अप्रॉक्सीमेट 2 या 2:30 या कुछ 3 अप्रॉक्स हो रहा होगा, मैंने देखा नहीं है। तो निकलते हैं, बस आपको आगे की दिखाता हूँ शूट्स, बाई।